हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो वेपर बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को यह देखना है आज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर के लिए सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि कौन से ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे क्या बनाने वाले हैं, वेपर बनाने वाले हैं। तो वेपर बनाने वाले अगर सब्सटेंस की हम बात करें कि कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो वेपर बनाएंगे, तो सब्सटेंस हमारे दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। पहले हम हमारे नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, दूसरे अगर सब्सटेंस की बात करें तो हमारे हैं वॉलेटाइल सब्सटेंस। तो एक है हमारे नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, एक है वॉलेटाइल सब्सटेंस। नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो वेपर बनाने में वेपर नहीं बनाते हैं। नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस ऐसे होंगे जो वेपर नहीं बनाने वाले, और वॉलेटाइल सब्सटेंस ऐसे हैं जो वेपर हमारे क्रिएट करेंगे, वेपर क्रिएट करेंगे। तो दो तरीके के सब्सटेंस आज हम लोग को वेपर प्रेशर पढ़ना है। तो वेपर प्रेशर की बात करें तो सब्सटेंस को हम से हो सकते हैं दो तरीके के होंगे, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस होंगे और एक हमारे वॉलेटाइल सब्सटेंस होंगे। जो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस होंगे वो वेपर नहीं बनाने वाले, वॉलेटाइल सब्सटेंस होंगे वो वेपर बनाएंगे। तो वेपर यही बनाने वाले हैं। और हम ये कह सकते हैं इसके एग्जांपल कौन-कौन से होंगे, कौन से ऐसे सब्सटेंस होंगे जो नॉन वॉलेटाइल होंगे, कौन-कौन से सब्सटेंस इसके अंदर आने वाले हैं जो नॉन वॉलेटाइल हैं। जैसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं लाइक ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, ये सारे सब्सटेंस हमारे कौन से हैं, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस हैं। ये हमारे वेपर नहीं क्रिएट करेंगे, मींस हम ये कह सकते हैं इनका प्योर स्टेट में जब ये प्योर फॉर्म में होंगे, प्योर फॉर्म में होंगे तो इनका वेपर प्रेशर जीरो होगा। जो प्योर फॉर्म में सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस हम यहां पे लिख सकते हैं प्योर सब्सटेंस, उनका वेपर प्रेशर हम हमेशा पी नॉट एज्यूम करेंगे। उनका प्रेशर वेपर प्रेशर हम हमेशा क्या एज्यूम करने वाले हैं, पी नॉट एज्यूम करने वाले हैं। और नॉन वॉलेटाइल के केस में वो पी नॉट की वैल्यू हमारी क्या होने वाली, जीरो। अब देखो वॉलेटाइल में हम देखने वाले हैं कि वॉलेटाइल सब्सटेंस जो होते हैं वो वेपर बनाएंगे, और अगर वॉलेटाइल सब्सटेंस वेपर बनाने वाले हैं तो वॉलेटाइल सब्सटेंस कौन-कौन से हैं। तो वॉलेटाइल सब्सटेंस में बहुत सारे वॉलेटाइल सब्सटेंस आते हैं लाइक CH2, CL2, CHCl3, CCl4 ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, एल्कोहल H2O, जितने भी एल्कोहल आते हैं ऑल एल्कोहल, जितने भी एसिड आते हैं हम एसिड भी ले सकते हैं RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया हमारा, ठीक है, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस जैसे लाइक ईस्टर हो गया RCOOR, ईस्टर हो गया, ईथर हो गया ROR-, और भी वॉलेटाइल सब्सटेंस में बहुत सारे एग्जांपल ऐसे आते हैं वॉलेटाइल में लाइक बेंजीन, टोलुइन, तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमारे कौन से होंगे। ये सारे सब्सटेंस हमारे कौन से होने वाले, वॉलेटाइल सब्सटेंस। वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या होंगे, ये वेपर क्रिएट करेंगे। वेपर क्रिएट करने का मतलब क्या होगा, ये कैसे वेपर क्रिएट करेंगे ये हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो वेपर प्रेशर में अगर हम बात करें कि आज वेपर प्रेशर देखना है, उससे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं जो वेपर बनाने वाले हैं। उन सब्सटेंस के बारे में स्टडी करने के लिए हम लोगों ने देखा दो तरीके के सब्सटेंस हमारे पास, नॉन वॉलेटाइल है वॉलेटाइल, ठीक है। अब वॉलेटाइल सब्सटेंस अगर है तो वेपर बनेगा, लेकिन कैसे, तो उसमें भी दो कंडीशन आ रही। दो कंडीशन कौन कौन सी, कि हमें ये देखना है हमारे पास जो कंटेनर है वो ओपन है कि क्लोज। हमने देख लिया, हमने कहा वोलेटाइल सब्सटेंस है, वोलेटाइल सब्सटेंस में कंटेनर हमें ओपन रखना है कि कंटेनर हमें क्लोज रखना है। तो सबसे पहले क्लोज कंटेनर की बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों ने एक कंटेनर अज्यूम कर लिया, ये मान लिया हम लोगों ने कोई कंटेनर है जिसमें हमने कोई लिक्विड फिल कर लिया। ए टाइप लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, प्योर, और जैसे कि हमें पता है ये लिक्विड कैसा है, वोलेटाइल लिक्विड है, ये हमारा प्योर वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। इसमें जो मॉलिक्यूल है वो ए मॉलिक्यूल है, इस कंटेनर को हमने क्लोज कर दिया, नीचे बर्नर लगा था ताकि हम इसको रेगुलर लगातार हीट प्रोवाइड कर पाए। इसको लगातार रेगुलर हम लोग क्या करने वाले, हीट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये ए के मॉलिक्यूल इसमें हमने बना दिए,
अब क्या होने वाला है कि जैसे हम लोग इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से इन मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मूवमेंट ज्यादा करेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इन मॉलिक्यूल की कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से इनका मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा, मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा, और मूवमेंट इंक्रीज होने की वजह से वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, इवोपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, मींस वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, जैसे जैसे हम इसको टेम्परेचर देंगे, इसको हीट करेंगे, इसको हमने हीट किया, एनर्जी दी, इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इनका मूवमेंट बढ़ जाएगा। ये चाहता भागना चालू कर देंगे, भागते भागते जैसे ये मॉलिक्यूल भागते भागते ऊपर जाएगा, सरफेस के मॉलिक्यूल जब इस सरफेस में आ जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले जो वेपर बनाते हैं वो कौन से मॉलिक्यूल बनाते हैं, सरफेस के, क्यों, क्योंकि वो नीचे से ऊपर आए हैं तो उनकी कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी बाकी सब बाकी अदर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। तो ये मॉलिक्यूल ऊपर जाने के बाद वेपर बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो शुरुआत में क्या होगा, थोड़ा 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 वेपर बन रहा होगा, धीरे धीरे वेपर बन रहा होगा एट स्टार्टिंग, अगर स्टार्टिंग स्टेज की बात करें, ठीक है, एट इनिशियल स्टेट। तो हम कहते हैं रेट ऑफ, अगर इनिशियल स्टेट की बात करें तो रेट ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर हम इनिशियल स्टेट की बात करने जा रहे हैं तो रेट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो रेट काफी धीमे धीमे बढ़ रहा होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या करने लगेंगे, वेपर बनाना स्टार्ट करेंगे। शुरुआत में थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल, एक दो तीन करके मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, वेपर बना रहे हैं। अच्छा, जब क्या होगा, वेपर बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, वेपर बन रहा है, लिक्विड का लेवल धीमे धीमे कम हो रहा होगा क्योंकि वेपर का अमाउंट बढ़ रहा होगा, लेकिन ये वेपर बनने के बाद कुछ देर बाद हम देखेंगे कि कुछ मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी लूज करते हुए ये क्या हो जाएंगे, कंडेंस होने लगेंगे, ठंडे होकर दोबारा किस फॉर्म में आने लगेंगे, लिक्विड। तो ये जो चीज है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा होगा, इवेपोरेशन हो रहा होगा। इवेपोरेशन में क्या हो रहा होगा, लिक्विड हमारा कन्वर्ट हो रहा होगा इसमें गैस में, हम कह सकते हैं लिक्विड हमारा इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, इवेपोरेशन के समय हमारा लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा। थोड़ी देर बाद ये ठंडे होकर नीचे आने लगेंगे, मींस कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन पे जस्ट उल्टा होगा, वेपर क्या बन रहा है, वेपर जो हो रहा है वो किस फॉर्म में आने लग रहा है, लिक्विड फॉर्म में आने लग रहा है। तो हम कहेंगे थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद मॉलिक्यूल ठंडे होके कंडेंस होके फिर से अपने लिक्विड फॉर्म में आने लगे, और लिक्विड फॉर्म में आने लगे तो हमारा क्या स्टार्ट हो गया, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। तो हुआ सबसे पहले हमने ये देखा कि वेपर प्रेशर, आज हमें पढ़ना है हमारा टॉपिक क्या था, वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर। उससे पहले हमें ये देखना है कि वेपर प्रेशर जो लगा है वो वेपर प्रेशर होने वाला है। तो वेपर पहले तो ये देखना है कि वेपर बनेगा का, तो सब्सटेंस कैसे होते हैं, दो तरीके के, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल। वोलेटाइल सब्सटेंस कौन से होते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो वेपर बनेंगे, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो वेपर नहीं बने। कौन कौन से सब्सटेंस ऐसे वेपर नहीं बनाएंगे, जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में ही वेपर नहीं बनाने वाले, इनका प्योर वेपर प्रेशर जीरो होता है। लेकिन जो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं इनका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर जीरो तो नहीं होने वाला, आगे क्या होने वाला है वो हम देख लेंगे, जीरो नहीं होने वाला ये बात है। तो कौन कौन से हैं, बहुत सारे, अब किस पे डिपेंड करेंगे, किस पे नहीं, हम आगे बात करेंगे। तो कंटेनर हमने देखा कि क्लोज होगा तो क्या होगा, ओपन होगा तो क्या होगा, हम लोग देखने वाले। हम लोगों ने ये देखा जैसे इसको हीट करना चालू किया, जैसे जैसे इसको हीट करेंगे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इन मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगा, सरफेस की तरफ भागेंगे, जो सरफेस की तरफ भागेंगे तो ये सरफेस छोड़ के जा रहे होंगे। सरफेस छोड़ के जाने के पीछे रीजन एक ये भी है कि सरफेस के मॉलिक्यूल में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा इन कंपैरिजन टू, ठीक है, जो नीचे मॉलिक्यूलों के सरफेस में नहीं होने वाले, नीचे जो मॉलिक्यूल है उनके कंपैरिजन में सरफेस के मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा होगा। इनको घसीट के रखने वाले, बाइंड करके रखने वाले कम मॉलिक्यूल है, नीचे वाले को ज्यादा मॉलिक्यूल है, आसपास पूरी तरफ से घिरा होगा, पूरी तरफ से घिरा है, सब लोग घेर के इसको घसीट रहे हैं, इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, ऊपर जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल स्टेट में थोड़ा थोड़ा वेपर बनना स्टार्ट हुआ, फिर धीमे धीमे कंडेंसेशन भी स्टार्ट हुआ। अगर शुरुआत की बात करें तो रेट ऑफ वेपराइजेशन, वेपर बनने का रेट बहुत ज्यादा होगा, और रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन कम होगा, कम मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं। जैसे शुरुआत में क्या हुआ, 10 मॉलिक्यूल गए तो एक आए, थोड़ी देर बाद 10 मॉलिक्यूल जा रहे हैं तो दो आ रहे हैं, फिर तीन आ रहे हैं, फिर चार आ रहे हैं, जैसे जैसे वेपर बढ़ता जा रहा है, यहां से मान लो 11 हो गया, 12 हो गया, वहां से और तेजी से जितना ज्यादा यहां जा रहा है उससे दुगनी तिगनी तेजी से वो आने स्टार्ट करेंगे। एक टाइम आएगा
कि जितनी मॉलिक्यूल जाते हैं, जैसे 10 मॉलिक्यूल अगर वेपर बनाना है तो 10 मॉलिक्यूल कंडेंस होकर नीचे आ रहे हैं, तो रेट ऑफ वेपराइजेशन एक टाइम आएगा कि इक्विलिब्रियम होल्ड हो जाएगा, इक्विलिब्रियम होल्ड हो जाएगा इनके बीच में, मतलब कि लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड, मींस हम ये कह सकते हैं कि यहां पे क्या होने वाला है, एक टाइम के बाद लिक्विड बदलने लगेगा वेपर में और थोड़ी देर बाद वेपर इसमें बदलने लगेगा लिक्विड में, और इसमें क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम के पॉइंट में क्या होगा, रेट ऑफ वेपराइजेशन, जो हमारा रेट ऑफ वेपराइजेशन है तो रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगा जिस समय रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन हमारा इक्वल होगा, उस समय में क्या लग रहा होगा, इक्विलिब्रियम होल्ड करेगा, उस समय इक्विलिब्रियम होल्ड करेगा, तब ये जो वेपर के मॉलिक्यूल प्रेशर लगाएंगे लिक्विड के सरफेस में, उस समय मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर, उसको हम क्या करने वाले हैं, वेपर प्रेशर। अच्छा फिर से सुनना जरा, शुरुआत में ये वेपर प्रेशर नहीं कराएगा क्या, शुरुआत में जैसे ही एक वेपर की ड्रॉप बनी वो प्रेशर वो भी तो लगाने वाली है। अभी हम लोग देखते हैं, इसको हम रब कर देते हैं थोड़ा सा, अब हम देखने वाले हैं जैसे मॉलिक्यूल बन गया वेपर के, ये वेपर के मॉलिक्यूल हैं, ये वेपर के मॉलिक्यूल है। शुरुआत में जब इक्विलिब्रियम नहीं अचीव हुआ था, जब इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ था, इनिशियल स्टेट में बात करें, इक्विलिब्रियम अचीव होने के पहले बात करें, तो ये जो मॉलिक्यूल है प्रेशर लगा रहे हैं उस समय वेपर प्रेशर नहीं कहलाएगा, क्योंकि उस समय इक्विलिब्रियम नहीं आया, तो वेपर प्रेशर पे एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम तुम्हारा अचीव होना चाहिए, बिना इक्विलिब्रियम के जो प्रेशर लगेगा दैट इज नॉट नोन एज वेपर प्रेशर, उसको हम वेपर प्रेशर नहीं कह सकते। ठीक है, वेपर प्रेशर का कहने वाला है द टाइम एट व्हिच इक्विलिब्रियम इज अकर्स, जब इक्विलिब्रियम अकर हो जाएगा, पहुंच जाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाएगी, उस समय जब लिक्विड के मॉलिक्यूल, ये जो लिक्विड के सरफेस पे वेपर के मॉलिक्यूल जो प्रेशर लगाएंगे दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो फिर से बोल रहा हूं, वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाएंगे एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम उसको हम क्या कहने वाले, वेपर प्रेशर कहने वाले। अब जैसे कि अगर कंटेनर ओपन होता, अगर कंटेनर ओपन होता तो क्या होता, जैसे नॉन वोलेटाइल हमें नहीं लेना क्योंकि वो तो वेपर ही बनाने वाले, ओपन कंटेनर में क्या होता, ओपन कंटेनर में मान ली हमने ये कंटेनर ले लिया, इसमें ऐसे ही हमने ए टाइप के मॉलिक्यूल फिल कर दिए, उसको लगातार कॉन्टिन्यूसली हीट कर बर्नर लगा के हमने हीट करना स्टार्ट कर दिया, अब कंटेनर ओपन है, वही कहानी हुई, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, मॉलिक्यूल भाग के सरफेस की तरफ जाएंगे और सरफेस के मॉलिक्यूल जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गया वो सरफेस छोड़ के क्या करने लगेंगे, वेपर बनाने लगेंगे। लेकिन अब ये वेपर बनाएंगे तो यहां पे वेपर बन तो रहा है लेकिन हम वेपर प्रेशर पे अचीव नहीं कर पाएंगे, तो मतलब कंटेनर ओपन नहीं होना चाहिए, तो वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें वेपर बनाना है और वो सब्सटेंस नॉन वोलेटाइल नहीं होना चाहिए, और वोलेटाइल है कंटेनर ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओपन कंटेनर में जो भी प्रेशर तुम्हें अगर कैलकुलेट करने के लिए हीट सब्सटेंस को हीट करोगे वो क्या करेगा, वेपर तो बनाएगा लेकिन वो एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा उसका, फिर वो प्रेशर नहीं लगा पाएगा, वो एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा, हम एग्जैक्ट वेपर प्रेशर नहीं अचीव कर सकते, क्यों, क्योंकि वहां पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही नहीं आ पाएगी, वो वेपर तो बनाएगा लेकिन कंडेंस होकर नीचे नहीं आने वाला। तो ये थी हमारी वेपर प्रेशर की कहानी, तो हम लोगों को देखना था कि कैसे कोई भी मॉलिक्यूल वेपर बनाता है, कौन से मॉलिक्यूल वेपर बनाते हैं, कौन से मॉलिक्यूल वेपर नहीं बनाते, वोलेटाइल वेपर बनाएंगे, और अगर वोलेटाइल भी है तो किस टाइप,